हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज वीडियो आम डिस्कस करवा प्रीपोजिशन रिलेटेड कि गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके तो चलां तो स्टार्ट करवा। ही प्रिफर स्विमिंग डैश एनी अदर स्पोर्ट्स। तो ये प्रिफर अच्छी तो यार टू प्रीपोजिशन टी लगे, तो प्रिफर सहित सब बेले टू प्रीपोजिशन टी लगी थाए। ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखु। इट इज डेंजरियस टू फेल डैश द व्हेल। तो इट इज डेंजरियस टू फेल डैश द व्हेल। तो यार करेक्ट आंसर टी हो इन टू। तो व्हेल भीतर को कहूँ एवं एथिरे मोशन मध्य होउछि, सेति पई एठारे इनटू प्रीपोजिशन टी लगिबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। आर डी बर्मन इज डेड बट हिज म्यूजिक लिव्स डैश। तो आर डी बर्मन इज डेड बट हिज म्यूजिक लिव्स ऑन। तो एठारे ऑन प्रीपोजिशन टी लगिबो। ओके तो लिव्स ऑन माने जीवित। तो मिस्टर वर्मा कर मृत्यु होइछि किंतु तांकर म्यूजिक टी एबे मध्य जीवित रहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वाज कंप्लीटली डैश द डार्क अबाउट देयर लव अफेयर। तो एठारे क्यों प्रीपोजिशन टी लगिबो। तो एठारे इन प्रीपोजिशन टी लगिबो। तो आई वाज कंप्लीटली डार्क, सॉरी आई वाज कंप्लीटली इन द डार्क अबाउट देयर लव अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कमिटी वाज फॉर्म टू लुक डैश द मेमोरियल। तो एठारे लुक सहित क्यों प्रीपोजिशन टी लगिबो। तो एठारे करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन बी आफ्टर। तो ए कमिटी वाज फॉर्म टू लुक आफ्टर द मेमोरियल। तो मेमोरियल रो जत्न नेबा पई कोटे कमिटी फॉर्म होइछि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू नो हाउ टू लुक डैश ए वर्ड इन द डिक्शनरी। तो एठारे कौन कहूँ तुम्हें जानिछ डिक्शनरी रे केमिति गोटे वर्ड को खोजा जाए। तो एठारे खोजिबा सेंस आसुची। तो एठारे फोर प्रीपोजिशन टी लगिबो। तो लुक सहित फोर, लुक फॉर माने खोजिबा। तो डू यू नो हाउ टू लुक फॉर ए वर्ड इन द डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रैपिड टेक्निकल प्रोग्रेस डज नॉट क्रिएट टेंशन डैश वर्कर्स। तो एठारे क्यों प्रीपोजिशन टी लगिबो। तो एठारे करेक्ट आंसर टी होजबो अमंग। जेहेतु एठारे वर्कर्स तो दुई रु अधिक होतिबे तो सेति पई एठारे अमंग प्रीपोजिशन टी लगिबो जहाँ कि प्लुराल रहिछि। किंतु जदि दुई जणक मध्य रे होइथांता तो एठारे बिटवीन प्रीपोजिशन टी लाइथांता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैड सिटिंग डैश हिम आज ही ऑलवेज स्मेल ऑफ गार्लिक। तो ता पाखरे गार्लिक रो स्मेल सब बेले आसी थाए। तो सेति पई मु ता निकटरे बसिबा पई मते भलो लागुना। तो निकटरे एठरे बिसाइड लागिबो। ओके तो आई हैड सिटिंग बिसाइड हिम आज ही ऑलवेज स्मेल ऑफ गार्लिक। तो बिसाइड माने होची निकटरे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रितुज मैरिज डैश राकेश वाज टुमल्टस। तो टुमल्टस माने होची अशांति प्रिय बा झगड़ा जे कहते। तो मैरिज सहित क्यों प्रीपोजिशन टी लगे। तो मैरिज सहित सब टू प्रीपोजिशन टी लगी। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन ए रितुज मैरिज टू राकेश वाज ट्यूमुलस। किंतु जदि एठार मेरी रही था तो यार विथ प्रीपोजिशन टी लगी थाए। ओके तो मेरी सहित विथ प्रीपोजिशन यूज है आउ मैरिज सहित टू प्रीपोजिशन टी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कैन डेयर से दैट जया टेक्स डैश हर मदर। तो एठारे क्यों प्रीपोजिशन टी लगिबो। तो आई कैन डेयर से दैट जया टेक्स डैश हर मदर। तो एठारे करेक्ट आंसर टी होजबो टेक्स सहित आफ्टर प्रीपोजिशन टी लगिबो। तो टेक आफ्टर। ओके तो आई कैन डेयर से दैट जया टेक्स आफ्टर हर मदर। तो टेक आफ्टर माने होची फैमिली मेंबर को परी देखा जिबा बस यही परी काम करिबा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन नॉट होल्ड मी रेस्पॉन्सिबल डैश इज एक्शन। तो तार काम पाई आपण मते
रेस्पोन्सिबल करें तो रेस्पोन्सिबल फोर हे यठार ओके तो यू कैनट होल्ड मी रेस्पोन्सिबल फर हिज एक्शन तो रेस्पोन्सिबल सहित सब बेले फोर प्रिपोजिशन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फैट स्माइल डैश हिम इन ऑल हिज वेंचर्स तो स्माइल सहित सब बेले ऑन प्रिपोजिशन यूज होता है तो स्माइल्ड ऑन फैट स्माइल ऑन हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द बॉय हैज नेवर जम्प डैश द रिवर तो जम्प सहित क्यों प्रिपोजिशन टी लगे तो यार इंटू प्रिपोजिशन टी लगे कारण यठार मोशन मध्य एवं रिवर मध्य को बुझा तेणु यठार इंटू प्रिपोजिशन टी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर सर्टेन एनिमल्स व्हिच कैन लिव बोथ डैश वाटर एंड डैश लैंड तो देयर आर सर्टेन एनिमल्स व्हिच कैन लिव बोथ डैश वाटर तो यठार वाटर तो इन हे तो यठार इन प्रिपोजिशन टी लगे इन वाटर एंड डैश लैंड तो लैंड जहाँकि अन् हे यठार तो यठार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन सी देयर आर सर्टेन एनिमल्स व्हिच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज ब्लाइंड डैश हिज ओन फॉल्ट तो यठार क्यों प्रिपोजिशन टी लगे तो यठार करेक्ट आंसर टी हो टू तो ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट तो ब्लाइंड सहित टू प्रिपोजिशन टी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश द विजिट ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रेन तो लुक फॉरवर्ड सहित क्यों प्रिपोजिशन टी लगे तो यठार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन सी टू प्रिपोजिशन टी लगे द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द विजिट ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रेन तो लुकिंग फॉरवर्ड टू माने कौन सी जिनस को अपेक्षा करवा तो ओल्ड मैन जहाँकि तार ग्रैंड चिल्ड्रेन मान को विजिट करने अपेक्षा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन ही वाज एक्यूज डैश स्टीलिंग क्लॉथ फ्रॉम आवर रिटेल शॉप तो एक्यूज माने दोषी करवा तो से दोषी होइछि क्योंपाई तो रिटेल शॉप्रु चोरी करवा अभियोग से दोषी होइछि तो एक्यूज सहित क्यों प्रिपोजिशन टी लगे तो यठार अफ्र यूज हे तो ही वाज एक्यूज ऑफ स्टीलिंग क्लॉथ फ्रॉम आवर रिटेल शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस होटल देयर इज नो प्रोविजन डैश हॉट वाटर तो यठार क्यों प्रिपोजिशन टी लगे तो प्रोविजन सहित सब बेले अफ्र यूज होता है तो प्रोविजन अफ इन दिस होटल देयर इज नो प्रोविजन ऑफ हॉट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन मेक द जर्नी डैश फुट तो तुम्हें फुट रे तुम मैंने पादरे तुम्हारा जर्नी स्टार्ट कर तो यठार क्यों प्रिपोजिशन टी लगे तो यठार अन् यूज हे अन् फुट मैंने पादरे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेपुटेशन ऑफ माय फ्रेंड्स इज डैश द सेक तो यठार क्यों प्रिपोजिशन टी लगे तो यठार अन् यूज हे तो अन् द सेक द रेपुटेशन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अन् द सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन ही एग्रीड टू पे कंपेंसेशन डैश डैमेज क्रॉप्स एंड लैंड तो यठार कंपेंसेशन सहित क्यों प्रिपोजिशन टी यूज हे तो यठार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन सी फोर तो कंपेंसेशन सहित सब बेले फोर प्रिपोजिशन टी यूज होता है तो यह निहाती मन रखु तो ही एग्रीड टू पे कंपेंसेशन फॉर डैमेज क्रॉप्स एंड लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सारिका सिम्स ऑफेंड डैश माय रिमार्क्स सारिका सिम्स ऑफेंड डैश माय रिमार्क्स तो यठार क्यों प्रिपोजिशन टी यूज हे तो ऑफेंड सहित सब बेले अट प्रिपोजिशन टी यूज होता है तो यठार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन सी सारिका सिम्स ऑफेंड अट माय रिमार्क्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव नॉट सीन हिम डेस लास्ट संडे तो यहाँ क्यों प्रिपोजिशन टी लगे तो आई हैव नॉट सीन हिम डेस लास्ट संडे तो यहाँ सीन्स प्रिपोजिशन टी यूज हे ओके तो यहाँ जहाँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टी रही ओके आठ टाइम जहाँ कि स्पेसिफिक दि जाए तो तेणु एठार सीन्स प्रिपोजिशन टी यूज हे तो आ मन रखत जदि यह पीरियड ऑफ टाइम को बुझाई था तो यहाँ फोर प्रिपोजिशन टी यूज होता है तो पीरियड ऑफ टाइम को बुझाइले फोर रो यूज होता है गोटे सर्टेन बा एक्जाक्ट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम को बुझाइले सेठे सीन्स प्रिपोजिशन टी यूज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज 14 इयर्स ओल्ड ही कैन टेक केयर डेस हिमसेल्फ तो यहाँ क्यों प्रिपोजिशन टी यूज हे तो केयर सहित सब अफ रो यूज होता है तो यहाँ करेक्ट आंसर टी ऑप्शन ए तो यह हो ही इज 14 इयर्स ओल्ड ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ तो केयर सहित सब अफ रो यूज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल डैश ए लॉन्ग व्हाइल तो यह मध्य जहाँकि गोटे पीरियड ऑफ टाइम को बुझाऊँ तो यह कौन सी एग्जाक्ट टाइम को बुझाऊ ना तेणु यठार क्यों प्रिपोजिशन टी लगे तो यह फोर रो यूज हे कारण पीरियड ऑफ टाइम को बुझाइले फोर रो यूज होता है एग्जाक्ट टाइम को बुझाइले जहाँकि सीन्स रो यूज होता है तो यह तेणु यठार फोर रो यूज हे आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल फॉर ए लॉन्ग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन द बिल्डिंग कंप्राइज डैश 60 रूम्स तो यहाँ क्यों प्रिपोजिशन टी लगे तो यहाँ प्रिपोजिशन लगे ना तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर नॉन द बिल्डिंग कंप्राइज 60 रूम्स तो यहाँ कंप्राइज सहित प्रिपोजिशन रो यूज हो न था तो यह निहाती भाव में मन रखु यह प्रकार क्वेश्चन एग्जाम बारंबार देखा मिलता है तो कंप्राइज सहित कौन सी प्रिपोजिशन रो यूज हेना से करेक्ट आंसर टी ऑप्शन डी द बिल्डिंग कंप्राइज 60 रूम्स नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैड टू राइट द पेपर डैश इंक तो यह क्यों प्रिपोजिशन टी लगे जेहेतु यठार इंक अच्छी तो यहाँ इन रो यूज हे ही हैड टू राइट द पेपर इन द इंक ओके तो से इंक रे लिखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन द मास्टर डिस्पेंस डैश द सर्विस ऑफ हिज सर्वेंट तो यहाँ डिस्पेंस सहित सब बेले विथ रो यूज होता है तो यहाँ करेक्ट आंसर टी ऑप्शन बी द मास्टर डिस्पेंस विथ द सर्विस ऑफ हिज सर्वेंट तो यार अर्थ कौन सी सर्विस रु वंचित होगा डिस्पेंस विथ रो अर्थ हो कौन सी सर्विस रु वंचित होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हिज फादर डाइड डैश कैंसर तो यहाँ जन व्यक्ति जहाँकि कैंसर द्वारा मृत्युवरण करते डिजीज रे मृत्यु हेले अफ रो यूज होता है तो यहाँ करेक्ट आंसर टी ऑप्शन ए अफ हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर आ मन रखत जदि कौन सी डिजीज रे मृत्यु हेले जहाँकि अफ रो यूज होता है किंतु एक्सीडेंट रे मृत्यु हेले जहाँकि इन रो यूज होता है तो यह निहाती मन रखु नेक्स्ट क्वेश्चन दे प्लेड फ्रॉम 6 AM डैश 8 AM तो यहाँ फ्रॉम सहित टू रो यूज हे दे प्लेड फ्रॉम 6 AM टू 8 AM तो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर तो फ्रॉम सहित सब टू रो यूज होता है तो से 6 AM रु 8 AM पर्यंत खेलुं बिटवीन था तो यहाँ एंड रो यूज होता था तो बिटवीन सहित एंड रो यूज होता है जेहेतु तो यहाँ फ्रॉम अच्छी तो यहाँ टू प्रिपोजिशन टी यूज हे तो यह मन रखु ओके तो यह थिला इंग्लिश ग्रामर टॉप 30 क्वेश्चन तो भिडटे जदि आपण हेल्पफुल लगला तबे निश्चय यह गोटे लाइक करदे आ चैनल को फर्स्ट टाइम भिजिट करते सब्सक्राइब कर दिखाँ।